नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रीवा जिले के वितरण केंद्र सलैया में उचित राशन मूल्य की दुकान पर बारिश के कारण पूरी तरह से राशन खराब होता नजर आ रहा है, जो ये राशन गरीबों को दिया जा रहा है। देखिए, रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव सहकारी समिति मर्यादित कतेला की वितरण केंद्र सलैया में ऊंची राशन मूल्य की दुकान पर बारिश से राशन पूरी तरह से खराब होता नजर आ रहा है, जो कि ये गरीबों को राशन दिया जा रहा है, जिससे यहां रख रखाव के लिए यहां पर भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और राशन वितरण करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पंचायत भवन भी यही है, लेकिन यहां सरपंच पंचायत के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लबालब यहां पानी भरा रहता है, से शक्कर गेहूं चावल पूरी तरह यहां पानी की वजह से खराब हो रहा है। जबकि यहां हितग्राहियों को समय समय पर राशन भी दिया जा रहा है और वितरण केंद्र का भवन तो बना है, लेकिन यहां पर बरसात के समय भवन की छतों से पूरा पानी गरीबों के राशन पर गिरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनबोध सिंह बघेल है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? सलैया ग्राम पंचायत है, बघेलन टोला। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको इस कोटे से आपको बराबर इस कोटे से ये जब से हमारे कोटेदार आए ओंकार तिवारी बहुत अच्छा गल्ला बांट रहे हैं, बहुत यहाँ पब्लिकों को बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं। कोई सेल्समैन से शिकायत है आपको? कोई सेल्समैन से शिकायत नहीं है, हमारी सेल्समैन बहुत अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ बराबर हर महीने बराबर देते जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, राशन पूरा बराबर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई प्रकार की शिकायत है। ऐसा कोटेदार भगवान सबको दे, सब जगह दे, तो बराबर हर महीने, हर महीने बराबर है। हम तो भाई ओंकार तिवारी से संतुष्ट हैं, यहाँ की पब्लिक भी संतुष्ट है। और कोई समस्या आपकी? और कोई समस्या नहीं, सब समाधान अच्छे से। या इस पंचायत से? इस पंचायत से कुछ नहीं, थोड़ा सरपंच को जरूर ध्यान दिया जाए। सरपंच लोग क्या है कि यहाँ का बराबर काम हम नहीं कर रहे हैं। कौन है यहाँ के सरपंच? यहाँ के सरपंच लेडीज है, क्या नाम है उनका? अरे कलावती तिवारी है। सचिव कौन है यहाँ? सचिव कोई लेडीज है, क्या नाम है? रानी साकेत। वो भी पंचायत में नहीं आ रही है। ये ग्राम पंचायत सलैया है? हाँ, ग्राम पंचायत सलैया है। विकासखंड गगेव। हाँ, यहाँ सरपंच भी बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना सेक्रेटरी ध्यान दे रहा है, सब यहाँ लूट फाट कंपनी वाला काम है। क्या नाम है बब्बा जी आपको? आप यहीं के रहने वाले हैं? तिवारी। हाँ, कौन सी पंचायत है ये? सलैया। ये आपको यहाँ से राशन बराबर मिल रहा है? राशन बराबर हर महीने मिल रहा है, हर महीने मिलता है। तो महीने में हमारा नहीं करना है। अच्छा, और कोई यहाँ से आपकी कोई शिकायत कोटे से या सेल्समैन से? हम नहीं सुनते हैं कि कोई प्रकार की शिकायत है। मतलब हर महीने आपको बराबर राशन? हाँ, एक बराबर हमको मिलता है। तेल है, चावल है, गेहूँ है, सब दाल जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो आपको बराबर? हमारा कोई बाकी नहीं है, सब मिल जाता है हर महीने। ये अभी आज कितना मिला आपको, कितना किलो मिला है हमका सुना तो कम है। आज आपको राशन कितने किलो मिला है चावल? कुल राशन चावल मिला है 20 किलो। अच्छा, गेहूँ मिला है 80 किलो। कौन सा कार्ड है आपका? गरीबी रेखा का है, पीला है। गरीबी रेखा में आते हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? नीला, नीला। नाम क्या है आपका? नीला, नीला। नाम क्या लिखते हैं बब्बा जी? छोटे लाल तिवारी। ठीक। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार।
डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, शहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।